मिडल लेवल मैनेजमेंट यानी ऐसा मैनेजमेंट जिसमें सारे के सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिविजनल डिपार्टमेंट्स के हेड्स आ जाते हैं बी परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर एक्सेट्रा इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है जो प्लान्स बनाए देखो हमने पढ़ा था

ऑर्गेनाइज करना ये जितनी भी एक्टिविटीज होगी उन सबको सुपरवाइज कौन करेगा अपने डिपार्टमेंट के हेड्स तो अगर प्रोडक्शन टीम की मैं बात कर रहा हूं तो प्रोडक्शन टीम को कौन हेड करेगा द प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर किसको हेड करेगा सेल्स टीम को हेड करेगा सिमिलरली मार्केटिंग टीम को कौन हेड करेगा मार्केटिंग मैनेजर सो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट नेक्स्ट फाइंडिंग आउट एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज बेसिकली हर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तो लोग चाहिए आप काम किससे कराओगे काम देखते रहोगे अपने आप तो काम हो तो जाएगा नहीं कि काम हो जा हो जा नहीं होगा लोग तो चाहिए ये एम्प्लॉइज ये ह्यूमन रिसोर्स कौन लेके आएगा मिडल लेवल मैनेजमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में लेट्स से कि डायनामिक पाँच छः सेल्समैन की, की जरूरत है हु विल हायर देम हु विल फाइंड देम मिडल लेवल मैनेजमेंट द सेल्स मैनेजर विल फाइंड देम नेक्स्ट मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देअर बेस्ट एबिलिटी टू देर बेस्ट एबिलिटी बेसिकली आप उन लोगों को ले आए अब उनको मोटिवेट करना कि नहीं यू कैन डू दिस तू सौ यूनिट बेचता है कल तू तो सौ की जगह पर डेढ़ सौ बेच के आएगा देखना मोटिवेटिंग दैम क्यों सो दैट दे परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी एंड फाइनली कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स सेल्स मैनेजर का सिर्फ ये काम नहीं होगा कि वो अपनी टीम को देख रहा है ये भी होगा कि वो अलग अलग टीम्स के साथ में प्रोडक्शन टीम के साथ में मार्केटिंग टीम के साथ में बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करें क्यों बिकॉज इनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव अपनी टीम को जिताना नहीं है इनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट